ये है पूरन पोली महाराष्ट्र फेवरेट। कैसा तुम्हें आई होप सब ठीक हो। तो आ चुके हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ। सो गाइस अभी ना मुझे बहुत जोर से भूख लगी तो आज ना मेरे घर पे पूरन पोली स्पेशल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरन पोली कैसी होती है। जो महाराष्ट्र में रहेगा ना उनको नहीं पता रहेगा पूरन पोली, तो चलो मैं दिखाता हूँ पूरन पोली कैसी। क्या खाते नहीं क्या? अरे बट महाराष्ट्र में पूरन पोली ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र में लोग ज़्यादा खाते हैं पूरन पोली, बाहर मतलब महाराष्ट्र के बाहर कम कम होता है थोड़ा, बट रहता है सब। चलो अभी पूरन पोली खाते हैं। ठीक है, ये पूरन पोली महाराष्ट्र फेवरेट, बहुत लोगों को पसंद आती है, मुझे भी पर्सनली इतनी नहीं पसंद बट पसंद है। मिट्टा ज़्यादा होता तो मैं खाता नहीं, गुड़ वस्तु मेरा बिल्कुल नहीं आवड़ भी। दीदी ने बनाया, कैसे बनाए देखते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इतनी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपेक्षा नहीं है उसके वास्ते कि इतनी अच्छी बनाएगी वो। मुस्ती गोड बट ठीक है, आई लाइक इट। और आई थिंक पप्पा के दर्शन में जाएंगे विसर्जन में, सॉरी विसर्जन में फूल मस्त बेगी नाचेंगे बिचेंगे वहाँ पे एकदम भारी राड़े। अभी प्रवीण टीवी में कुछ तो लगा रहा है, उसको भी पोली खाने है, वो देख रहा है वहाँ से कब मिलेगा मुझे। चलो A few moments later. आज 30 भी ने पहला बॉल पहला सिक्स पांच सिक्स। इसलिए ना बारह रन। चार बॉल चार सिक्स क्रिकेट वगैरह खेल के घर पे आ चुका हूँ एंड अभी बैठा हूँ। और हम बप्पा के दर्शन पे नहीं, विसर्जन पे नहीं जा रहे, क्या पता क्यों बट नहीं जा रहे, आज घर पे बैठेंगे। अभी आगे का ब्लॉग क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कंटाला आया है बहुत, घर से बाहर निकलने का मूड नहीं है और घर में बैठा हुआ तो आपको कंटाला आएगा ब्लॉग देखने में। क्या करूँ देखो मुझे कंटाला आ रहा है, इसलिए मैं श्रीमान लेजेंड के न्यू ब्लॉग देख रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो आज हम करने वाले वर्कआउट, मैं रोज तो करता हूँ बट मैं यूट्यूब वीडियो पे नहीं दिखाता क्यों क्या पता मुझे नहीं पता, बट मैं आज दिखाने वाला हूँ वर्कआउट जो करूँगा, मेरी थोड़ी बॉडी फ्लेक्स करूँगा भाई, बॉडी तुम्हारे भाई के एप से एंड थोड़े बाइसेप से थोड़ी सी स्ट्रेस से लेग्स थोड़े से, बस और कुछ नहीं तुम्हारे भाई के बस। अभी अपन फटाफट वर्कआउट करेंगे, उससे पहले थोड़ा नीचे का साफ बेप करता हूँ, बहुत गंदा है क्योंकि बेडरूम हमारा है ना और हम बैठे एकदम आलसी, तो अभी बेडरूम भी साफ करना पड़ेगा। अभी फटाफट बेडरूम भी साफ करेंगे एंड वर्कआउट चालू करते हैं फटाफट। गाइस एंगल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे अभी देखना पड़ेगा, बट लेट्स स्टार्ट वर्कआउट।
एंगल सही आ रहा है, तो अभी वर्कआउट चालू कर दे, मैं थोड़ा वार्म अप करता हूँ, उसके बाद हम नॉर्मल वर्कआउट करेंगे। ज्यादा घर में रहते हो तो नॉर्मली किया करो, फिर बाद में हल्लू हल्लू जिम ज्वाइन करो, उसके बाद बॉडी बॉडी मुझे भी जिम ज्वाइन करने, बट कर नहीं रहा मैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा, बट जल्दी मैं करूँगा जिम ज्वाइन। ये निश्चय ऐसे फ्लैक्स मेरी बॉडी है, इतना कुछ विषय नहीं है। चलो अभी वर्कआउट चालू कर, पहले थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच कर लेते, वार्म अप कर लेते, वार्म अप नहीं किया तो इंजरी आने के ज्यादा चांसेस होते, तो वार्म अप करते फटाफट। चलो मैं कैमरा बंद करता हूँ, नहीं तो मैं आधे से ज्यादा कैमरे में देखता रहूंगा तो फिर वार्म अप नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस मैंने वर्कआउट से पहले शॉट डाले, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा नहीं मुझे पता नहीं, बट जब मार के दिखा दो मुंडे विंडे कर जाएगी, मेरा पंखा जाले भाई। तो अभी मैं करता हूँ वार्म अप, किया नहीं मैंने पहले शॉट डाले क्योंकि कंफर्टेबल इम्पोर्टेंट है, मैंने जींस डाल के रखी थी तो ये डाले कंफर्टेबल के लिए। चलो वर्कआउट करते, वर्कआउट पे ध्यान देने का, डांस वगैरह नहीं कर रहे आज अपन को, क्यों ना आईपैड में मैं गाने लगाऊं, नहीं कॉपीराइट आएगा। चलो कुछ नहीं, मैं वर्कआउट चालू करता हूँ। तो गाइस मेरा नॉर्मल सा वर्कआउट हो चुका है, बॉडी स्ट्रेचिंग हो चुकी है, तो हम लोग आज फर्स्ट करने वाले लेग्स। लेग्स क्यों, मतलब जो मेरे एज के बंदे होंगे ना उन लोग लेग्स पे ज़्यादा ध्यान दो, लेग्स से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो लेग्स पे ज़्यादा फोकस दिया करो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओ खुद का। तो अभी मैं थोड़ा नॉर्मल उठक बैठक मारूंगा, उसके बाद थोड़ा देखते क्या क्या विषय लेग्स दिखते, मैं आपको दिखेगा नहीं मेरे लेग्स भी है बट दिखेंगे नहीं आप, तो मुझे एंगल चेंज करा पड़ेगा यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट एंगल चेंज करके देखते हैं अपन। तो गाइस अभी मैं फटाफट लेग्स कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद अपन चेस्ट करेंगे, चेस्ट एंड ट्राइसेप फटाफट। तो मैं फटाफट लेग्स कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको मैं मिलता हूँ सीधा, ओके। तो गाइस मेरा लेग्स कंप्लीट हो चुके, मैंने लेग्स मार लिए, अब तुम्हारा भाई मारेगा ना चेस्ट। क्यों फ्लैक्स कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं फ्लैक्स करूंगा। तो गाइस अभी मैं फटाफट वर्कआउट करता हूँ, बहुत टाइम पास हो रहा है मोबाइल की वजह से, तो मैं अभी फटाफट वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद नीचे जाऊंगा, दो तीन दोस्तों को पकड़ूंगा। मेरा एक दोस्त अभी तक गांव से आया नहीं, विशाल द बॉय देख रहा होगा तो ध्यान में रख, जल्दी आ जा ब्रो, कंटाल आ रहे तेरे बिना। गाइस वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोग साथ में घूमते हैं दिन रात की दिन रात, तो अभी उसका भी वेट कर रहा है, देखते कब आता है, वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यही था वो नमूना भिखारी था, मैं पता रहेगा आप लोगों ने जिसने जिसने पहले से ब्लॉग देखा। हाँ वो सब छोड़ो, अभी मैं फटाफट वर्कआउट करता हूँ, एकदम चुम्बेश्वरी बॉडी बना दो, उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा नीचे घूमने, देखते चलो। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं पप्पा के विसर्जन के लिए, जो आपको मैंने बोला था कि फिक्स नहीं है, बट मैंने दादा को मना लिया है जाने को, तो अभी चलो फटाफट चल रहे और पप्पा का विसर्जन देखते। यस चलो, यस फाइनली यार। अभी नेचुरल मिले ना हमको,
गाइस पापा का विसर्जन हो चुका और हम लोग ऐसे चल पड़े अभी मस्त के पापा के दर्शन विर्शन लिए। मैं विसर्जन के शूट नहीं किया भाई क्योंकि टायरिंग का विषय हमने बस समझ रहे हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे गाड़ी के पास, हम लोग गाड़ी वहाँ पे लगाई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाला था, हमको पता है सबसे पहले बदलापुर क्राउड एड़े की पब्लिक है। तो अभी हम लोग वहाँ पे गाड़ी के पास जा रहे हैं, जाएंगे वहाँ से मस्त है कि नाचा विचा एकदम राहस, बहुत मजा आया। स्कूल के दोस्त मिले थे उनके साथ नाचा जाके एकदम राहस। अभी जाएंगे घर पे एंड जहाँ भी नाचने को मिले तो नाचा करो, क्या पता कल मिले या ना मिले नाचने, सीधा शादी में नाचना पड़ेगा खुद के। इसलिए मैं नाच लेता हूँ, छोटा हूँ तो फ़ायदा उठाता हूँ उसका, कहीं भी नाच देता हूँ, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे नाचूँ, खुश रहो एकदम मस्त हैप्पी द लाइफ था मेरी बेबी चुम्मा ना मेरी चुम्मा चुम्मा। चला जाओ गाड़ी करो।